सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोविक क्रांच चैनल को और बेल आइकन बजाइए ऑल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, टेक्नोविक क्रांत में आप सभी का स्वागत है। सो फाइनली Realme 12 Pro Plus हमारे पास आ चुका है और ये दोस्तों आउट ऑफ द बॉक्स Realme UI 5.0 के साथ देखने को मिलता है। और इस फोन को जब मैं टेस्ट कर रहा था तो मुझे काफी सारे हिडन फीचर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिले, जैसे कैमरा के अराउंड रिंग लाइट इफेक्ट, वीडियो कलर इनहेंसर, बैटरी हेल्थ, आइकन चेंजेस, ब्राइट HDR मोड, साथ ही इनकमिंग कॉल में लाइटिंग इफेक्ट और भी काफी सारे हिडन फीचर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिला है। तो यहाँ पर मैं वन बाय वन सारे कुछ बताने वाला हूँ दोस्तों, तो इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हिडन फीचर, टिप्स एंड ट्रिक्स बताने से पहले यहाँ पर आप डिवाइस डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। उसके लिए हम चलते हैं सेटिंग के अंदर नीचे की साइड अबाउट डिवाइस में। यहाँ पर आप देखेंगे आपको Realme UI 5.0 देखने को मिलता है और Realme 12 Pro Plus 5G नेम देखने को मिल जाता है। साथ ही नीचे की साइड Realme 12 Pro Plus का मॉडल नंबर RMX 3840 देखने को मिलता है। अब बात की जाए यहाँ पर फीचर्स की, तो यहाँ पर सबसे पहले फीचर्स की बात करें तो वो आपको मिलता है दोस्तों होम स्क्रीन के अंदर। जैसे ही आप होम स्क्रीन को पिंच करते हैं यहाँ पर आपको नीचे साइड में वॉलपेपर देखने को मिल जाता है जिसमें आपको वर्कशॉप देखने को मिलता है। इसमें दोस्तों आप अपने कोई सभी इमेज को न्यू वॉलपेपर के रूप में जनरेट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप इमेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप गैलरी से कोई सभी वॉलपेपर को सेलेक्ट करके आप न्यू वॉलपेपर जनरेट कर सकते हैं। ये आपके वॉलपेपर के कलर को रिकॉग्नाइज कर न्यू वॉलपेपर जनरेट करता है। साथ ही दोस्तों आप यहीं से कैमरा ऑप्शन सेलेक्ट करके कोई सभी फोटो क्लिक करते हैं, ये दोस्तों आपके इमेज के कलर को रिकॉग्नाइज करके आपको न्यू वॉलपेपर जनरेट करके देता है। इसी के साथ दोस्तों आपको यहीं पर ही आइकन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप आइकन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसके थ्रू आप अपने आइकन को कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप कस्टम में जाते हैं तो यहाँ पर आपको काफी सारे आइकन को चेंज करने का ऑप्शन देता है। आइकन के फोरग्राउंड को कम ज्यादा, आइकन को छोटा बड़ा या फिर नेम को हाइड और शो करने का ऑप्शन भी देता है। साथ ही दोस्तों यहीं पर ही एडाप्टिव सिस्टम कलर का ऑप्शन देता है। जैसे ही आप इसे ऑन करके अप्लाई करते हैं तो जो एंड्रॉइड 14 का जो मटेरियल युक्त फीचर्स है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये दोस्तों सिस्टम एप्स और कुछ कुछ थर्ड पार्टी एप्स को ही सपोर्ट करता है, अभी पूरा थर्ड पार्टी एप्स को सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन आपको काफी कूल मटेरियल युक्त आइकन स्टाइल देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की तो होम स्क्रीन के अंदर ही आपको स्मार्ट विजिट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे ही होम स्क्रीन को पिंच करते हैं और ऊपर के साइड प्लस को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको काफी सारे स्मार्ट विजिट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसे आप सिंपल सा क्लिक करके आप होम स्क्रीन में बड़े से विजिट्स लगा सकते हैं, जिसके थ्रू दोस्तों आपके जो होम स्क्रीन है और भी कूल लुक देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए अगले फीचर्स की, वो आपको मिलता है दोस्तों होम स्क्रीन के अंदर ही। अगर दोस्तों आप फोल्डर को बड़ा साइज करना चाहते हैं या छोटा साइज करना चाहते हैं तो वो भी आपको होम स्क्रीन के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप कोई से भी फोल्डर क्रिएट किए हैं तो जैसे ही उस फोल्डर को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इनलार्ज फोल्डर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका फोल्डर जो है बड़ा हो जाएगा और इसके अंदर जो भी एप्स रहेगा आप डायरेक्ट यहीं से ही ओपन कर सकते हैं, आपको फोल्डर के अंदर जाना नहीं पड़ेगा। और अगर दोस्तों ये फोल्डर को आपको फिर से नॉर्मल साइज में करना है तो जैसे ही आप फोल्डर के ऊपर थोड़ा लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको श्रिंक फोल्डर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसे आप क्लिक करेंगे तो आपका फोल्डर पहले की तरह नॉर्मल छोटा साइज में हो जाएगा। इसके अलावा बात कीजिए अगले फीचर्स की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों नोटिफिकेशन पैनल में। यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ स्टेप से नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिलता है और अगर आप 3 डॉट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको मीडिया आउटपुट का फीचर्स देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू दोस्तों आप अपने म्यूजिक वीडियो वगैरह सुनते हैं, देखते हैं तो उसका म्यूजिक कौन से स्पीकर से सुनना है वो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप फोन की स्पीकर से सुनना चाहते हैं तो फोन की स्पीकर से सुन सकते हैं। साथ ही अगर आप ब्लूटूथ एयरफोन, एयरबड्स वगैरह कनेक्ट किए रहते हैं तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे आप मीडिया आउटपुट को सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं, सुन सकते हैं।
इसके अलावा बात कीजिए अगले फीचर्स की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों फ्लुएट क्लाउड या फिर डायनामिक डॉट फीचर्स। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अगर आप रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं तो जैसे ही यहाँ पर रिकॉर्डर को ऑन करते हैं और होम स्क्रीन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ऊपर के साइड देखेंगे आपको फ्लुएट क्लाउड या फिर डायनामिक डॉट देखने को मिल जाता है। इसको दोस्तों आप थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है, जिसके थ्रू आप पॉज प्ले कर सकते हैं या फिर सेव वगैरह कर सकते हैं। साथ ही अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं तो यहाँ पर उसका भी आपको डायनामिक डॉट या फ्लुएट क्लाउड देखने को मिल जाता है। तो यहीं पर से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग को पॉज प्ले कर सकते हैं। साथ ही अगर आप कॉल करते हैं या इनकमिंग कॉल आता है तो उसका भी डायनामिक डॉट आपको ऊपर में ही देखने को मिल जाता है। ये फीचर्स दोस्तों कुछ कुछ एप्स में या कुछ कुछ फंक्शन में ही अलाउ होता है, मे बी बाद में और भी फीचर्स या एप्स में ये ऑप्शन ऐड कर देंगे। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर, वाईफाई के अंदर। अगर दोस्तों आप वाईफाई के बैंडविड्थ या फिर कौन से वर्जन का वाईफाई जो है आपके फोन में कनेक्ट है उसको चेक करना है तो उसके लिए आपको जाना होगा वाईफाई के अंदर, ऊपर के थ्री डॉट में क्लिक करके मोर सेटिंग में जाना है और वाईफाई स्टेटस डिस्प्ले को क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो दो फीचर्स देखने को मिलेगा उसको आपको ऑन कर देना है। जैसे ही दोनों फीचर्स को ऑन करेंगे तो आपको बैंडविड्थ लेवल और वाईफाई वर्जन नंबर देखने को मिल जाएगा, जो कि स्टेटस बार में देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं वाईफाई 5 देखने को मिलता है और यहाँ पर वाईफाई जो कनेक्ट रहता है उसमें आपको बैंडविड्थ देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 5 GHz देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात कीजिए अगले फीचर्स की, तो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर मोबाइल नेटवर्क में। यहाँ पर सिम के ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ पर आपको वाईफाई कॉलिंग का फीचर्स देखने को मिल जाता है। जैसे ही इनेबल करेंगे और आपका फोन जो है वाईफाई से कनेक्ट रहेगा तो आप वाईफाई के थ्रू किसी को कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों यहीं पर ही आपको स्मार्ट 5G का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये फोन जो है आपका 5G है तो यहाँ पर आपको मोबाइल नेटवर्क के अंदर ही मोर सेटिंग में जाना है और स्मार्ट 5G को ऑन कर देना है, जिससे कि आपको 5G नेटवर्क प्रॉपरली देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात कीजिए अगले फीचर्स की, तो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर कनेक्शन एंड शेयरिंग के अंदर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपको मल्टी स्क्रीन कनेक्ट का फीचर्स देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू दोस्तों आप अपने फोन को लैपटॉप या पीसी वगैरह में कनेक्ट करके आप अपने फोन से डाटा डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको मल्टी स्क्रीन कनेक्ट का भी फीचर्स देखने को मिल जाता है। और यहीं पर दोस्तों आपको लिंक टू विंडो का फीचर्स देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू दोस्तों आप अपने फोन को पीसी या लैपटॉप वगैरह से कनेक्ट करके मोबाइल के नोटिफिकेशन, फोन कॉल्स, फोटो, की पूरे के पूरे मोबाइल को आप पीसी या लैपटॉप से एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना जरूरी है। दोनों ही डिवाइसेस में सेम अकाउंट से लॉगिन करेंगे तो आप अपने हैंडसेट को पीसी या लैपटॉप से कनेक्ट करके पूरे के पूरे एक्सेस कर सकते हैं। और इस फीचर्स को दोस्तों आप नोटिफिकेशन पैनल से भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लिंक टू विंडो का न्यू टैब की छोटा सा आइकन देखने को मिल जाता है, जिसे आप क्लिक करके लिंक टू विंडो फीचर्स यूज कर सकते हैं। और यहीं पर दोस्तों आपको ओवर्क का फीचर्स देखने को मिल जाता है। ये फीचर्स दोस्तों बेसिकली क्लाउड स्टोरेज फीचर्स है। अगर दोस्तों आप क्लाउड में कोई सभी फाइल, डेटा, इमेज वगैरह स्टोर करके रखे रहते हैं तो उसको आप ओवर्क के थ्रू कहीं से भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको केवल cloud.realme.com में जाकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड वगैरह डालकर इसको लॉगिन करना है। उसके बाद आप अपने डेटा को यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा बात कीजिए अगले फीचर्स की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर, वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर। यहाँ पर दोस्तों आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको काफी सारे प्री इंस्टॉल AOD देखने को मिलता है। साथ ही इसमें आपको कैनवास, कस्टम पैटर्न, टेक्स्ट एंड इमेज, इमोजी वगैरह देखने को मिल जाता है। इसके अलावा कार्बन फुटप्रिंट, होमलैंड, इनसाइड, डिजिटल क्लॉक, एनालॉग क्लॉक करके काफी सारे न्यू AOD प्री इंस्टॉल AOD देखने को मिल जाता है। इसमें दोस्तों आपको कार्बन फुटप्रिंट वाला AOD काफी कूल देखने को मिलता है। इसमें आपको 3 टाइप्स के कार्बन फुटप्रिंट AOD देखने को मिलता है। ये वाला AOD दोस्तों आपको काफी पसंद आने वाला है, क्योंकि ये काफी कूल लुक के साथ न्यू AOD देखने को मिल जाता है। और साथ ही यहीं पर आप कॉन्टेक्स्चुअल इन्फो में जाएंगे तो यहाँ पर आपको म्यूजिक प्लेबैक और स्मार्ट सजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसके थ्रू दोस्तों आप AOD में ही म्यूजिक प्लेबैक को कंट्रोल कर सकते हैं, शो कर सकते हैं।
साथ ही आप स्मार्ट सजेशन के थ्रू राइडिंग, हाइलिंग, फूड डिलीवरी वगैरह को आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के थ्रू ही आप एक्सेस कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। यहीं पर ही आपको कलर के ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू दोस्तों आप अपने पूरे सिस्टम का कलर चेंज कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहीं पर ही आपको वॉलपेपर कलर पिकिंग और कस्टम कलर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वॉलपेपर कलर पिकिंग के थ्रू दोस्तों आप अपने होम स्क्रीन में जो भी वॉलपेपर सेट किए रहेंगे उसके कलर को रिकॉग्नाइज करके आपको सिस्टम कलर को चेंज करने का फीचर्स देखने को मिल जाता है। साथ ही यहीं पर ही आपको क्विक सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू दोस्तों आप अपने नोटिफिकेशन के आइकन्स और टोगल्स वगैरह के शेप को चेंज कर सकते हैं। साथ ही यहीं पर ही आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको काफी सारे फिंगरप्रिंट एनिमेशन देखने को मिलता है, जिसे आप चेंज करके यूज कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहीं पर ही आपको एज लाइटिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू दोस्तों आप अपने इनकमिंग कॉल और मैसेज वगैरह में लाइट इफेक्ट दे सकते हैं। इनकमिंग कॉल के लिए यहां पर आपको चेक करना होगा आल्सो अप्लाई टू इनकमिंग कॉल्स को, और साथ ही यहीं पर से आप कलर को चूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू दोस्तों आपको कॉल वगैरह आता है या मैसेज वगैरह आता है तो आपको कुछ इस टाइप से कलर इफेक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो अगर दोस्तों आप ऐप ड्रावर को ओपन करते हैं तो उस टाइम पर नीचे की साइड कीबोर्ड और ऊपर में आपको सजेशन का ऑप्शन देता है, ये दोस्तों बहुत ही इरिटेटिंग लगता है। तो अगर दोस्तों आप इस फीचर्स को ऑफ करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जाना होगा सेटिंग के अंदर, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको होम स्क्रीन मोड देखने को मिल जाएगा। जैसे इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ये फीचर्स ऑन देखने को मिलेगा, जिसको आपको ऑफ कर देना है। जैसे ही ऑफ करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप जैसे ही ऐप ड्रावर में इंटर करेंगे तो आपको क्लीन ऐप ड्रावर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कीबोर्ड और ऐप सजेशन का ऑप्शन शो नहीं होगा। साथ ही दोस्तों आपको होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के अंदर ही आपको यहां पर स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन देखने को मिलता है, जिसके थ्रू दोस्तों आप सेल फॉर ग्लोबल सर्च और नोटिफिकेशन ड्रावर को यूज कर सकते हैं। जो भी आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आप यहां पर से सेलेक्ट करके सेल फॉर ग्लोबल सर्च और नोटिफिकेशन ड्रावर को यूज कर सकते हैं। साथ ही यहीं पर आपको शो मीडिया प्लेयर और लॉक स्क्रीन का फीचर्स देखने को मिल जाता है। इस फीचर्स को ऑन करेंगे तो आप अपने लॉक स्क्रीन के ऊपर ही तो आप जो भी म्यूजिक प्ले वगैरह किए रहेंगे उसको आप लॉक स्क्रीन के ऊपर से ही कंट्रोल कर सकते हैं, नेक्स्ट, प्रीवियस, पॉज प्ले वगैरह कर सकते हैं। साथ ही नीचे की साइड ही आपको क्लॉक स्टाइल देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके लॉक स्क्रीन के ऊपर अप्लाई होता है। आपको वर्टिकल लेना है कि हॉरिजॉन्टल लेना है, आप यहां पर क्लॉक स्टाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, आप फोन को लॉक करेंगे तो आपको यहां पर लॉक स्क्रीन में ही देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों यहीं पर ही आपको डबल टैप टू लॉक और डबल टैप टू बैकअप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसी के साथ दोस्तों आपको पॉकेट मिसटच प्रिवेंशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिससे आप ऑन करते हैं आपके फोन जो है पैकेट वगैरह में रहता है तो मिसटच हो जाता है, तो इस फीचर्स को ऑन करेंगे तो आपका जो मिसटच वाला प्रॉब्लम है वो ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा बात कीजिए अगले फीचर्स की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपको स्क्रीन कलर मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको विविध, नेचुरल, प्रो मोड को क्लिक करते हैं तो आपको सिनेमेटिक और ब्रिलियंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसे आप यूज करके आपके जो स्क्रीन का कलर है उसको आप इनहेंस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे चेंज कर रहे हैं तो स्क्रीन का कलर थोड़ा थोड़ा यहाँ पर इनहेंस होता है। इसी के साथ यहीं पर ही आपको वीडियो कलर बूस्टर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसे आप ऑन करते हैं और वीडियो वगैरह देखते हैं तो आपके वीडियो के कलर वगैरह को और भी बेटर बूस्ट कर देता है, जिससे कि आप वीडियो वगैरह वॉच करते हैं तो आपको बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों यहीं पर ही आपको ब्राइट HDR वीडियो मोड देखने को मिल जाता है, जिसे आप ऑन करते हैं तो आप फुल HD में वीडियो देखते हैं तो उसमें आपका जो कलर है उसको और भी बेटर इनहेंस करके आपको बेटर HDR वीडियो प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपको बेटर एक्सपीरियंस के साथ HDR वीडियो देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों यहीं पर ही आपको एडाप्टिव स्लीप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे ही इस फीचर्स को ऑन कर देते हैं, जब तक आप फोन को देखते रहेंगे तो आपका जो स्क्रीन है वो ऑफ नहीं होगा, और जैसे ही फोन को आप नजर से दूर रखते हैं तो आपका फोन जो है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, स्लीप मोड में चला जाएगा। ये फीचर्स दोस्तों बैटरी ड्रेनिंग के प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व कर सकता है। इसी के साथ दोस्तों यहीं पर से ही आप स्क्रीन रिफ्रेश रेट को मैनेज कर सकते हैं, हाई और स्टैंडर्ड मोड में चेंज कर सकते हैं।
इसके अलावा बात की जाए अगले फीचर्स की, तो आपको मिलते हैं दोस्तों सेटिंग के अंदर, साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर। तो यहाँ पर आपको वाइब्रेशन इंटेंसिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू दोस्तों आप अपने फोन का जो वाइब्रेशन है वो कितना रखना है आप यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर आप म्यूजिक वगैरह सुनते हैं, मूवी वगैरह देखते हैं, ऑडियो को इन्हेंस करने के लिए आपको डॉल्बी एटमॉस का फीचर्स देखने को मिलता है, जिसके थ्रू दोस्तों आपके जो साउंड क्वालिटी है और भी बेटर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखेंगे आपको 4 सिनेरियो देखने को मिलता है, स्मार्ट, गेमिंग, म्यूजिक और मूवी का, जिसके थ्रू दोस्तों आप अपने गेमिंग के टाइम पर गेमिंग सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो साउंड क्वालिटी है और भी इनहेंस करके बेटर देखने को मिलता है। उसी प्रकार आप मूवी और म्यूजिक और स्मार्ट वगैरह में भी आप चेंज कर सकते हैं, आप अपने यूज के अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट करके आप अपने साउंड क्वालिटी को इनहेंस कर सकते हैं। साथ ही यहीं पर ही आपको ओ हैप्टिक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू दोस्तों आप अपने फोन का जो हैप्टिक फीडबैक है उसको यहाँ पर कम या ज्यादा कर सकते हैं। जो फोन यूज करने के टाइम पर हल्का हल्का जो वाइब्रेशन देखने को मिलता है वो काफी कूल लगता है दोस्तों, तो आप उसको यहाँ पर से कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको इनकमिंग कॉल या मैसेज वगैरह आता है उस टाइम पर जो वाइब्रेशन होता है उसको मैनेज करना चाहते हैं तो आप यहीं पर ही रिंगटोन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको वाइब्रेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू दोस्तों आप अपने वाइब्रेशन को मैनेज कर सकते हैं। वोल्टास, सिंकोपेशन, हार्ट बीट, लॉन्ग वगैरह देखने को मिल जाता है। वैसे दोस्तों लॉन्ग में रखेंगे तो काफी बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप बाइक वगैरह राइड करते हैं, सिटी के अंदर घूमते वगैरह हैं, तो आपका जो फोन वगैरह आता है तो उस टाइम पर अगर आप लॉन्ग में रखते हैं तो आपको प्रॉपरली पता चल जाएगा कि कॉल या मैसेज वगैरह आ रहा है। इसके अलावा बात कीजिए अगले फीचर्स की, तो आपको मिलते हैं दोस्तों सेटिंग के अंदर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपको स्मार्ट नोटिफिकेशन हाइडिंग का फीचर्स देखने को मिल जाता है, जिसे आप ऑन करेंगे तो ये आपके फेस को एनरोलमेंट करने को बोलता है। जैसे ही आप फेस एनरोलमेंट करके रखते हैं, अगर आप फोन यूज करते रहेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, बाकी टाइम पर अगर आप रख देते हैं तो उस टाइम पर जो ये फीचर्स हैं वो हाइड करके ही रखेगा। जैसे ही आप फोन उठाएंगे या फोन पकड़ के देखेंगे तो आपको पूरे के पूरे नोटिफिकेशन जो है वो शो हो जाएगा। साथ ही यहीं पर ही आप स्टेटस बार में जाएंगे तो यहाँ पर आपको टाइम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आप स्टेटस बार में जो टाइम दिख रहा है उसको आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सेकेंड वाला ऑप्शन भी दिया है, जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करते हैं तो आपको स्टेटस बार में सेकेंड वाला ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ आपको यहाँ पर बैटरी स्टाइल देखने को मिल जाएगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लूप का, जिसे आप चूज करके यूज कर सकते हैं। साथ ही यहीं पर ही आपको बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर नीचे साइड में आपको स्टेटस बार में जो छोटे छोटे आइकन्स देखने को मिल रहा है, अलार्म, साइलेंट मोड, ब्लूटूथ, वाईफाई या स्पीड वगैरह का, उसको आप यहाँ से ऑफ या ऑन कर सकते हैं। साथ ही यहीं पर आपको स्मार्ट सजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू दोस्तों आप नोटिफिकेशन पैनल, लॉक स्क्रीन, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, इन सभी में आप अपने फूड डिलीवरी या राइडिंग हाइलिंग की स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्मार्ट सजेशन का फीचर्स देखने को मिल जाता है। वैसे दोस्तों इसको आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बात कीजिए अगले फीचर्स की, वो आपको मिलते हैं दोस्तों सेटिंग के अंदर नीचे साइड एप्स के अंदर एप क्लोनर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऐप क्लोन करने का ऑप्शन या डुप्लीकेट करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके मोबाइल में जितने भी एप्स हैं उसको आप यहाँ से क्लोन कर सकते हैं, डबल ऐप के रूप में आप यूज कर सकते हैं। साथ ही यहीं पर आपको डिसेबल एप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसके थ्रू दोस्तों आप कोई सा भी एप्स को डिसेबल करना चाहते हैं तो सिंपली आप उस एप्स को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप एप्स इन्फो में जाकर सिंपली आपको डिसेबल कर देना है। जैसे ही डिसेबल करेंगे आपका एप्स जो है डिसेबल हो जाएगा और वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इनेबल करना है तो आप यहीं से इनेबल भी कर सकते हैं। साथ ही यहीं पर ही आपको रिकवर सिस्टम एप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप कोई सा भी सिस्टम एप्स को गलती से अनइंस्टॉल कर देते हैं तो वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जिसे आप फिर से उसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा बात कीजिए अगले चेंज की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर। यहाँ पर आप मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड पासवर्ड टू पावर ऑफ का न्यू फीचर्स देखने को मिल जाता है, जिसे आप ऑन करके रखते हैं तो आपको पावर ऑफ के टाइम पर पासवर्ड मांगेगा।
ये काफी कूल फीचर्स हैं दोस्तों। इस फीचर्स को अगर आप ऑन करते हैं तो आपके फोन को कोई अदर पर्सन जो है स्विच ऑफ नहीं कर पाएगा। साथ ही यहीं पर आपको डिवाइस अनलॉक में फोन में अगर आप पासवर्ड वगैरह डालना चाहते हैं, स्क्रीन लॉक वगैरह करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप स्क्रीन लॉक के थ्रू कर सकते हैं, न्यूमेरिक करना है या पैटर्न वगैरह। साथ ही अगर आप फेस या फिंगरप्रिंट वगैरह इनरोल करना चाहते हैं तो आप यहीं से ही कर सकते हैं। साथ ही सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर ही सबसे नीचे के साइड में आपको ऐप लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू दोस्तों आप अपने पर्टिकुलर ऐप को लॉक कर सकते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक, चाहे कोई भी अदर थर्ड पार्टी हो या सिस्टम एप्स, आप यहां से ऐप लॉक के थ्रू लॉक कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहीं पर सबसे नीचे में सिस्टम क्लोनर का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसके थ्रू दोस्तों आप अपने सिस्टम को डबल की दो पार्टीशन में यूज कर सकते हैं। जैसे दोस्तों पीसी या लैपटॉप वगैरह में अलग अलग अकाउंट बनाए रहते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर और गेस्ट का, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर आप सिस्टम क्लोनर के थ्रू दो सिस्टम यूज कर सकते हैं। आप यहाँ से पूरे के पूरे सिस्टम को क्लोन कर सकते हैं। इसके अलावा बात कीजिए अगले फीचर्स की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर नीचे साइड बैटरी के अंदर, बैटरी हेल्थ का। यहाँ पर दोस्तों आपको बैटरी बूस्टर, बैटरी कैपेसिटी, स्मार्ट चार्जिंग और स्टॉप चार्जिंग एट 80% का फीचर्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पर स्मार्ट चार्जिंग को ऑन करते हैं तो ये दोस्तों आपके बैटरी चार्जिंग करने के हैबिट को काउंट करके आपके चार्जिंग को परफॉर्म करता है कि आपको किस टाइम पर स्लो चार्जिंग करना है या किस टाइम पर फास्ट चार्जिंग करना है। तो ये इंटेलिजेंट सर्विस के थ्रू चार्जिंग को काउंट करके आपके चार्जिंग को परफॉर्म करता है। और अगर दोस्तों आप स्टॉप चार्जिंग एट 80% को ऑन करेंगे तो ये आपके चार्जिंग को काफी फास्ट रूप में करेगा, जो कि 80% में ही स्टॉप कर देगा। 80% के बाद आपका चार्जिंग जो है आगे नहीं बढ़ेगा, जिससे कि जो बैटरी हेल्थ में ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका बैटरी हेल्थ काफी अच्छा देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात कीजिए अगले फीचर्स की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर नीचे साइड स्पेशल फीचर्स के अंदर स्मार्ट साइड बार का। इस फीचर्स को ऑन करेंगे तो दोस्तों आपके साइड बार में एक स्मार्ट साइड बार देखने को मिलता है, जिसमें आप दोस्तों मोस्ट यूजफुल एप्स को यहां पर रख सकते हैं और आप क्विकली यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आपको स्मार्ट साइड बार का फीचर्स देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों यहीं पर आपको फाइल डॉक का फीचर्स देखने को मिलता है, जो कि आपके स्मार्ट साइड बार में ही यूज होता है, यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर के साइड में। साथ ही दोस्तों यहीं पर आपको फाइल डॉक का फीचर्स देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू दोस्तों आप अपने इमेज, टेक्स्ट या फोटो वगैरह को आप यहीं पर स्मार्ट साइड बार में सेव कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। उसके बाद दोस्तों आप इसको कहीं भी शेयर एंड सेंड कर सकते हैं। तो ये आपको काफी कूल फीचर्स देखने को मिलता है दोस्तों, आपको काफी क्विकली शेयरिंग का फीचर्स देखने को मिल जाता है। साथ ही यहीं पर आपको सो रिसेंट फाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि स्मार्ट साइड बार के फाइल डॉक के जस्ट नीचे देखने को मिलेगा। ये दोस्तों रिसेंट में जो भी फाइल आपको रिसीव हुआ होगा या रिसेंट में जो भी वर्क किए होंगे उसका फाइल जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसको आप क्विकली कहीं भी सेंड एंड शेयर कर सकते हैं। ये भी दोस्तों फाइल डॉक के जैसा ही वर्क करता है। साथ ही सो एप्स नेम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसे आप ऑन करेंगे तो जो स्मार्ट साइड बार में एप्स है उसका नेम जो है शो होता है, और अगर इसको आप ऑफ कर देंगे तो स्मार्ट साइड बार में आप जो एप्स है उसका नेम जो है यहाँ पर हाइड हो जाएगा। इसके अलावा बात कीजिए अगले फीचर्स की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर एडिशनल सेटिंग में। यहाँ पर दोस्तों आपको सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको बटन मोड्स और गेस्चर मोड देखने को मिलता है। आप अपने यूजफुल के अनुसार यहाँ पर बटन मोड और गेस्चर मोड को सिलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। साथ ही यहीं पर आपको ऐप लैंग्वेज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको कुछ 15-20 ऐप्स ही देखने को मिलता है, जिसका आप लैंग्वेज चाहे हिंदी करना है, इंग्लिश करना है या फिर और भी कोई सभी लैंग्वेज में आपको चेंज करना है तो पर्टिकुलर एप्स का लैंग्वेज जो है चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अभी कुछ ही एप्स का लिस्ट देखने को मिलता है, मे भी हो सकता है बाद में और भी एप्स देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों आप यहीं पर ही गेस्चर एंड मोशन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे स्क्रीन ऑफ गेस्चर देखने को मिलता है। जैसे आप इन सब फीचर्स को ऑन करके रखते हैं तो आपको स्क्रीन ऑफ में ही आप जैसे ओ प्रेस करते हैं तो कैमरा ओपन हो जाएगा, वी प्रेस करते हैं तो टॉर्च ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप स्क्रीन ऑफ गेस्चर को भी यूज कर सकते हैं।
साथ ही यहीं पर ही 3 फिंगरप्रिंट स्क्रीनशॉट का ऑप्शन ऑन ऑफ करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आप 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कुछ इस टाइप से। साथ ही यहीं पर ही वॉल्यूम बटन से टॉर्च ऑन ऑफ का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, को लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो आपका टॉर्च ऑन और ऑफ हो जाएगा। साथ ही यहीं पर ही राइज टू वेकअप का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसे आप ऑन करके रखते हैं तो आपका फोन का स्क्रीन ऑफ है, जैसे ही उसको टच करते हैं तो आपका फोन का स्क्रीन जो है ऑन हो जाता है। उसी के साथ आपको लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे ही इस फीचर्स को ऑन करके रखते हैं तो अगर आपको कॉल वगैरह आता है तो डायरेक्ट आप कान में लगाते हैं तो आपका जो इनकमिंग कॉल है वो ऑटोमेटिक रिसीव होकर आंसर करने लग जाएगा। इसी के साथ यहीं पर फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल का ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे इस फीचर्स को ऑन करते हैं और अगर आपको इनकमिंग कॉल आता है तो उस टाइम पर आप अपने फोन को स्क्रीन के साइड से रखते हैं तो वो जो इनकमिंग कॉल है वो ऑटोमेटिक साइलेंट मोड में चला जाएगा, जो रिंग बजता रहेगा वो म्यूट हो जाएगा। साथ ही दोस्तों यहीं पर एडिशनल सेटिंग के अंदर पावर बटन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको पावर मेनू और वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप वॉइस असिस्टेंट को सेलेक्ट करते हैं और जैसे ही पावर बटन को प्रेस करते हैं तो यहां पर आपको वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और अगर आपको पावर मेनू चाहिए तो आपको सिंपल सा पावर मेनू सेलेक्ट करना है। जैसे ही पावर मेनू सेलेक्ट करेंगे, आप सिंपल सा पावर बटन प्रेस करेंगे तो यहां पर आपको पावर ऑन ऑफ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात कीजिए अगले फीचर्स की, तो आपको मिलते हैं दोस्तों सेटिंग के अंदर यूजर एंड अकाउंट के अंदर मल्टी यूजर का। यहाँ पर दोस्तों इस फीचर्स को ऑन करेंगे तो आपको मल्टी यूजर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको ऑनर मोड और गेस्ट मोड देखने को मिलता है। आप इस डिवाइस को दो पार्टीशन में यूज कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर मल्टी यूजर के फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा बात कीजिए अगले फीचर्स की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों फोटोस ऐप से या फिर गैलरी के अंदर। यहाँ पर दोस्तों पहले आप कोलाज वगैरह बनाने के लिए इमेज वगैरह सेलेक्ट करते थे तो यहाँ पर आपको कोलाज का ऑप्शन देखने को मिलता था, लेकिन दोस्तों अब आप इमेज वगैरह सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको क्रिएट का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कोलाज और GIF का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप GIF भी क्रिएट कर सकते हैं, आप देखेंगे आपको कुछ इस टाइप से GIF देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों GIF को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप फोटो वगैरह चेंज कर सकते हैं, रेशियो सेलेक्ट कर सकते हैं, स्पीड और डायरेक्शन वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको GIF क्रिएट करने के लिए एक न्यू क्रिएट ऑप्शन ऐड कर दिया है। इसके अलावा बात कीजिए अगले फीचर्स की, तो यहाँ पर दोस्तों सिक्योरिटी फीचर्स को यहाँ पर और भी बेटर कर दिया है। अगर दोस्तों आप किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह भेजते हैं और उसमें आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेंड नहीं करना चाहते हैं, तो आप जैसे ही स्क्रीनशॉट लेंगे उसके बाद यहाँ पर फोटो ऐप में आकर या फिर गैलरी में आकर उस स्क्रीनशॉट को सेलेक्ट करके एडिट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको पिक्सेलेट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो पहले आपको दोस्तों मैनुअली करना पड़ता था, लेकिन अब आपको ऑटो करके न्यू ऑप्शन ऐड कर दिया है। इस ऑटो ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो वो आपके स्क्रीनशॉट को पूरे के पूरे स्कैन करेगा और जहां पर उसको पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे लगेगा उसको वो पिक्सेलेट कर देगा। साथ ही दोस्तों यहां पर AI का ऑप्शन भी ऐड कर दिया है, आप AI के थ्रू भी पिक्सेलेट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी अगर आपको पिक्सेलेट करना है तो आप मैनुअली भी इसको पिक्सेलेट कर सकते हैं, जिससे कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को सेंड ना हो, तो ये एक बेटर सिक्योरिटी फीचर्स देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो मेरे में सेल्फी कैमरे के ऊपर रिंग लाइट देखने को मिलता है। इस फीचर्स को इनेबल करने के लिए आपके फोन में बाय डिफॉल्ट कोई भी सेटिंग नहीं है। इस फीचर्स को इनेबल करने के लिए आपको सिंपल सा एक ऐप इंस्टॉल करना है, जिसका नाम देखने को मिलता है रिंग रिंग। इसको इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है और ओपन करने के बाद इसको ऑन करना है। आपको रिंग लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसे आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर नीचे साइड आपको कलर्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसके थ्रू रिंग के कलर को आप यहां से चूज करके यूज कर सकते हैं। और ये रिंग लाइट जो है दोस्तों आपके बैटरी को भी इंडिकेट करता है, तो इस टाइप से आप रिंग लाइट इफेक्ट को भी यूज कर सकते हैं।
इसके अलावा बात की जाए मैसेज या डायलर एप्लीकेशन की, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने ऑफिशियल सिस्टम डायलर और मैसेज एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखा है, इसलिए यहाँ पर सिस्टम एप्लीकेशन और डायलर एप्लीकेशन देखने को मिलता है। अगर दोस्तों आप भी सिस्टम डायलर एप्लीकेशन फोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड करके अपडेट कर सकते हैं। फोन डायलर और मैसेज एप्लीकेशन के अलावा आप अपने सभी सिस्टम एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए नेक्स्ट फीचर्स की, तो अगर दोस्तों आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो उसके लिए आप कोई से भी एप्स को फ्लोटिंग विंडो में यूज कर सकते हैं। सिंपली आपको रिसेंट एप्स में जाना है और यहाँ पर जो भी एप्स को आप फ्लोटिंग विंडो में यूज करना चाहते हैं तो आपको उस एप्स के ऊपर की साइड में 3 डॉट देखने को मिलेगा, उसको क्लिक करना है और फ्लोटिंग विंडो पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसके थ्रू दोस्तों आपका जो मल्टीटास्किंग है वो और भी बेटर देखने को मिलेगा। ये फीचर्स दोस्तों मल्टीटास्किंग के लिए काफी यूजफुल देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा दोस्तों Realme 12 Pro Plus 5G का हिडन फीचर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आपको सारे के सारे बता दिए हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।